हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए हमारे क्लास 12 का डिज़ाइन का चैप्टर 4 सॉफ्टवेयर के बारे में लेकर आई हूँ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बच्चों के कैटेगराइज पढ़ लिए थे। आज हम इसमें विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के बारे में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट यू वुड डिज़ाइन फॉर अ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन। अगर आप किसी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए डिज़ाइन करना चाहते हो कोई प्रोडक्ट, तो वो कैसा होगा, ये कहा है इन्होंने। विजुअल इम्पेयर्ड पता है ना सबको, जो थोड़े देख नहीं सकते, पूरे नहीं, थोड़ा कम देखते हैं जो लोग, ठीक है। इसमें आ सकता है हमारा डिज़ाइन मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल पीपल। जो डिज़ाइन बनाए हम वो सभी पीपल्स के लिए हो, सभी लोगों के लिए बने। और उसका जो इंटरफेस होता है किसी भी डिज़ाइन का इंटरफेस, हमें कोई जैसे ऐप होता है, ठीक है, उस ऐप में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है कि इस ऐप को कैसे ये चीज़ चलानी है कहकर, उसका फर्स्ट पेज कैसे खुलेगा, सेकंड इसका क्या सिस्टम है, वो सारा इंटरफेस में आता है। तो उसका इंटरफेस दैट डिज़ाइन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल, तो वो इंटरफेस विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए उसे ज़्यादा समझ में आना चाहिए। फ्लोबिंग एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, देखो। पहला, इनलार्जिंग द टेक्स्ट साइज, जो टेक्स्ट का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, इनलार्जिंग। और कस्टमाइजिंग कलर कंट्रास्ट, और जो कलर हो उसमें के वो कंट्रास्ट हो, जैसे ब्लैक के ऊपर वाइट कुछ हो, ठीक है, तो ये कलर कंट्रास्ट हो। ऐसे ही ब्लू के ऊपर आप रेड दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपने वाइट के ऊपर पिंक दिखाया तो ये कुछ कंट्रास्ट नहीं लगेगा, उन्हें दिखेगा नहीं इतना, है ना, तो विजुअल इम्पेयर्ड नहीं बनेगा। तो इसमें कंट्रास्ट का ध्यान रखना है, कस्टमाइजिंग कलर कंट्रास्ट, ठीक है। थर्ड है सबटाइटल आर कैप्शन ऑन वीडियो, जो सबटाइटल या कैप्शन हो वीडियो का, वो आप उनको समझ आना चाहिए। थोड़ा बिगेस्ट साइज़ का हो, है ना, उनका जो कैप्शन हो उन्हें पता चले कि ये कैप्शन है कहकर। और नेक्स्ट है टेक्स्ट बिलो द इमेज, जो टेक्स्ट के नीचे इमेज है उसको भी वो समझ पाए, डिस्क्राइब देम, ठीक है। एंड लास्ट है कंट्रास्टिंग कलर फॉर अ बेटर रीडेबिलिटी, यानी कि जो कंट्रास्ट कलर हो वो ही अच्छे से उन्हें समझ आ सकते हैं, रीडेबिलिटी। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पेन टूल। तो लाइन और पेन टूल के बारे में डिफरेंस बताओ। आंसर है हमारा, जो लाइन टूल होता है ये क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ही खींचता है, ठीक है, हम जब इसे इस टूल का यूज़ करते हैं तो। एनी एंगल ऑफ एनी लेंथ, या कोई से भी एंगल की और कितनी भी लंबी खींच सकते हो तुम, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारा पेन टूल, जो होता है इज़ यूज टू मेक अ लाइन एंड सिंपल ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। अब जो पेन टूल है ये एक सिंपल शेप का होगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स शेप्स आप बना सकते हो उससे। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, दिस यूज्ड बी मेक अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज कर्व। अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हो या कर्व लाइन खींचना चाहते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली खींच सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो पेन टूल आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेम टूल, नेम टू मतलब दो नाम बताओ टूल्स के जो कि इन डिज़ाइन में हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमें इन डिज़ाइन के टूल। तो इसमें काफ़ी सारे टूल हैं, आप कोई से भी बता सकते हो जो आप अच्छे से याद कर सको, जो आपको याद रह सके। तो फर्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन टूल, इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक का फ़ोटो, जैसे फ़ोटो फोटोशॉप को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ना सेम, या फोटोशॉप में जैसे सेम होता है वैसे ही इन डिज़ाइन के भी कुछ टूल्स होते हैं सेम सेम। तो द सिलेक्शन टूल इज़ योर बेसिक पॉइंटर टूल, जो आपका बेसिक पॉइंटर टूल है, सिलेक्शन टूल में उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर एंटर करेंगे ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्स और मूव
इट अराउंड डिलीट इट सेक्ट्रा। अगर आप उसे इसमें इसमें कुछ नहीं है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन टूल में आप सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। आप एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं, एनीथिंग अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, मूव अराउंड द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, इसके आपको सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये होता है कुछ इस टाइप का, दिख रहा होगा आपको। इसमें आता है सेम लाइक फोटोशॉप, जैसे कि द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ओनली सिलेक्ट वन एंकर पॉइंट, एक एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट होता है ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर। सो इफ़ यू वेंट टू मूव वन स्पेसिफिक एंकर, तो आप उसे एक स्पेसिफिक एंकर पॉइंट पर आप उसे यूज़ कर सकते हो दिस टूल, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टूल, ये एक डायरेक्ट टूल है, तो डायरेक्टली होगा इसका काम, ठीक है। सिलेक्शन टूल का क्या काम होगा, वो एक सिलेक्ट होगा और ये सिलेक्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन। उस सिलेक्शन में क्या था कि बेसिक पॉइंट और टूल को हमें सिलेक्ट करना था, फिर एंटर करना था ऑब्जेक्ट में और फिर टेक्स्ट बॉक्स मूव अराउंड द डिलीट एक्सेट्रा। इसमें क्या है, इसमें है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिर्फ ओनली सिलेक्ट हमें एंकर को करना है, ठीक है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को, बस दो चीज़ों को, एंकर को और पॉइंट ऑब्जेक्ट को। फिर आप इसमें देख सकते हो कि मूव वन स्पेसिफिक एंकर एंड यूज़ दिस टूल, आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आसान है ना हमारा, तो आप ये दोनों टूल अगर आपको अच्छे से याद हो गए हो, अगर आपको समझ आ गए हो, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये हमारे इनडिज़ाइन के टूल्स हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि दो इनडिज़ाइन के टूल्स आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पेज टू, पेज टूल कुछ ऐसा होता है, दिस इज पेज टूल। तो पेज टूल में क्या होता है, बेसिकली द पेज टूल अलाउ आपको अलाउ करता है कि आप सिलेक्ट करें और एंटर द रेंजिंग इट योर रीसाइज और ऑन योर वर्क स्पेस, जो आपकी वर्क स्पेस है उसे रिसाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है गैप टूल, गैप टूल में क्या है, गैप टूल इज़ यूज्ड व्हेन यू वेंट टू चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को एक को कहीं कर सकते हो खड़ा और दूसरे को कहीं, लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट, कोई फ़ोटो हो कुछ भी हो, और जो उन दोनों बीच ऑब्जेक्ट के बीच का वाइट स्पेस होगा, ठीक है, वो देन बिटवीन द सेम रहेगा। और क्लिक ऑन द गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग वन ऑब्जेक्ट विल बी गेट बिगर, जो एक ऑब्जेक्ट है जो एक फ़ोटो होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो बाकी अदर्स है वो स्मॉल रह जाएंगी, ठीक है। तो इसमें गैप टूल में ये था। नेक्स्ट है आपका कंटेंट कलेक्टर टूल। कंटेंट कलेक्टर टूल क्या होता है कि इसमें ये अलाउ करता है कलेक्ट मल्टीपल पाइस ऑफ कंटेंट, बहुत सारे मल्टीपल पाइस ऑफ कंटेंट को, कि दैट यू वेंट प्लेस अदर इन द सेम डॉक्यूमेंट, कि आप उसे सेम डॉक्यूमेंट में कर सकें, यानी कि आपके पास कुछ डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो आप उन्हें सेम या सेम डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हो या सेम भी कर सकते हो, ठीक है, और इन अदर इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या फिर कोई और डिज़ाइन हो आपके पास। नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट पैलर टूल। इसमें क्या होता है, वंस यू कलेक्टेड योर ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, ठीक है, विद अ कंटेंट कलेक्टर टूल, वो क्या होता है, कंटेंट कलेक्टर टूल विल यूज़ द कंटेंट प्लेसर टूल टू प्लेस दोज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होंगे वो इधर इन द सेम डॉक्यूमेंट, वो एक सेम डॉक्यूमेंट में और डिफरेंट इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हो जाएंगे, ठीक है, बट जाएंगे कह सकते हो तुम। नेक्स्ट आता है आपका टाइप टूल। टाइप टूल क्या है, सभी जानते हैं टाइप टूल कैसा होता है, हम कुछ भी टाइप करने के लिए टाइप टूल का यूज़ करते हैं, बड़ा छोटा, ठीक है, अलग अलग साइज़ के, तो इसमें क्या है,
दिस इज़ अ योर बेसिक टाइप टूल, ठीक है. क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर टेक्स्ट. आप रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स या टाइप अवे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है. इसमें कुछ नहीं था. टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये भी कुछ टाइप टूल जैसे ही होता है. देखो तो इसमें क्या है, टाइप ऑन अ पाथ टूल में द पाथ द टाइप ऑन अ पाथ टूल ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें इसे तो जो टाइप अराउंड एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है और यूड यूज्ड दिस ऑन ऑब्जेक्ट यू विल ऑलरेडी क्रिएट. आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और वो पहले से पूरा हो जाएगा, ठीक है. बस नॉर्मली यू विल ऑल ऑब्जेक्ट यू आर ऑलरेडी क्रिएट. नेक्स्ट आता है लाइन टूल. लाइन टूल में क्या होता है, दिस टूल क्रिएट अ लाइन, ये एक लाइन आप क्रिएट कर सकते हो उससे. और होल्ड शिफ्ट, होल्ड एंड शिफ्ट विल यू क्लिक, अगर आपने होल्ड प्लस शिफ्ट को क्लिक किया तो. एंड ड्रैग टू कीप इट स्टेट हॉरिजॉन्टल, आप स्टेट या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकुलर लाइन या फिर आप 45 डिग्री एंगल पर भी लाइन खींच सकते हो, ठीक है. इससे ये होता है. नेक्स्ट आता है आपका पेन टूल, ठीक है. पेन टूल हमने पहले भी किया था लेकिन ये दूसरा है. तो पेन टूल है इज़ माई फेवरेट बट बाई फॉर वन ऑफ हार्डेस्ट टूल, लेकिन ये एक हार्डेस्ट टूल है. कैसे, इसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है. यू ड्रॉ बाय अ क्लिकिंग ऑन द पॉइंटर वेयर यू वेंट टू स्टार्ट, आप क्लिक करेंगे ना पॉइंटर पर तो आप फिर स्टार्ट करेंगे. एंड फिर बिफोर जैसे आप माउस को पकड़ते हो, ठीक है, फिर आप क्लिक करते हो, फिर आपने रुक गए, ठीक है. लेकिन आपको इसमें पकड़ कर ही आपको सब कुछ, आपको जो भी ड्रॉ करना है वो सब कुछ इसमें करना होता है पेन टूल में, क्योंकि आपको इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत चाहिए, मास्टर की, ठीक है. नेक्स्ट आता है अनक्लिकिंग होल्ड, अनक्लिकिंग होल्ड एंड ड्रैग द कर्सर. आप ड्रैग द कर्सर मेक अ कर्व देन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट पॉइंट वेयर यू लाइक टू कंटिन्यू योर शेप होल्ड एंड ड्रैग द कर्सर एट्सेट्रा, अगर आप अनक्लिक करते हो उसमें, ठीक है. आपने क्लिक नहीं किया, ठीक है, मान लिया, फिर होल्ड कर दिया आपने, रुक गए, फिर ड्रैग. इसमें रुकना नहीं होता, एकदम कंटिन्यूस में आपको चलना है. इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खिंच जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए पेन टूल में. नेक्स्ट आपका एड एंकर पॉइंट. एड एंकर पॉइंट में क्या होता है, एक पेंसिल बना होता है एंड प्लस का साइन होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, हम कुछ भी ऐड एंकर पॉइंट से नाम से पता चल रहा है, देखो ऐड कर सकते हो पॉइंट टूल में. इज़ यूज्ड ऐड एंकर पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं ऐड अ पॉइंट, ऐड अ पॉइंट्स, ठीक है. नेक्स्ट आता है डिलीट एंकर पॉइंट टूल. अब ये डिलीट एंकर पॉइंट, जो अपने पॉइंट एंकर पॉइंट अपने ऐड किया था उसको डिलीट करता है ये. तो इसमें आता है सेम वैसे पेन शेप का एंड माइनस का साइन होता है इसमें. इसमें डिलीट एंकर टूल इज सुपर हेल्पफुल फॉर परफेक्टिंग शेप. ये आपको एक परफेक्ट शेप में कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको यूज़फुल रहता है, ठीक है, हेल्पफुल. नेक्स्ट आता है कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टू. इसमें क्या होता है कि जो द कन्वर्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन कन्वर्ट करता है, ये हाफ ट्राइंगल कह सकते हो तुम. जैसे एक यहाँ से सीधी लाइन खींच दी हमने राइट से और एक लेफ्ट से, तो पूरा ट्राइंगल नहीं बना लेकिन हाफ ट्राइंगल कह सकते हो तुम इसे. ये कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हाफ ट्राइंगल सा. तो इसमें क्या होता है, द कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग, आप चेंज कर्व को चेंज करने में और लेवल ऑफ स्पेसिफिक एंकर पॉइंट इट
कैंट बी मूव द एंकर पॉइंट अराउंड, आप इसे मूव कर सकते हो, ठीक है, मूव द पॉइंट अराउंड जो आपने एंकर पॉइंट लिया था। अब आता है पेंसिल टूल, सबको पता है पेंसिल टूल है ना, सारे बनाते हो ड्राइंग। तो इसके बाद आती है आपकी द पेंसिल टूल यूज टू क्रिएट अ फ्री हैंड शेप। आप ये टूल जो है ये एक फ्री हैंड टूल है, यानी कि कैसे भी जो भी मर्जी बनाओ आप, ठीक है, इसमें शेप यू सिंपली क्लिक एंड ड्रैग, आप सिंपली क्लिक करते हो है ना और ड्रैग फिर ड्रॉ करते हो, ठीक है, इट अराउंड इन वट एवर शेप आप जो मर्जी बना रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्मूथ टूल 3 सेम टू सेम पेंसिल टूल के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, द स्मूथ टूल इज़ यूज्ड इन कंजक्शन है विद द पेंसिल टूल, पेंसिल टूल टू स्मूथ, यानी कि पेंसिल टूल से स्मूथ आउट एनी बम्प्स दैट माइट हैव अक्यूरेट इन योर वेक्टर ऑब्जेक्ट। कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट है वो आपने मान लिया पेंसिल टूल में बनाया, ठीक है, तो लेकिन इसको सही ढंग से करने के लिए स्मूथ टूल का यूज़ किया जाता है। अब आता है इरेजर टूल, अगर आपने पेंसिल से कुछ ड्रॉ किया आप इसे रफ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका कुछ ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाता है या पार्ट, तो इसमें सेम यही लिखा है, टूल इज़ यूज्ड टू इरेज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या लाइन, कोई ऑब्जेक्ट या लाइन को आप इरेज कर सकते हो। इसमें आता है नेक्स्ट हमारा रिएक्टिंग फ्रेम टूल। रिएक्टिंग फ्रेम टूल होता है एक बॉक्स टाइप, उसमें क्रॉस बना होता है, ठीक है, या तुम कह सकते हो चिट्ठी, लेकिन पूरा चिट्ठी नहीं, क्रॉस बना होता है। उसमें क्या होता है, द फ्रेम टूल फंक्शन, ये एक फ्रेम टूल फंक्शन है जस्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, जो कि रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो ना उनके लिए, बट दे आर स्पेशली फॉर्मेटेड टू हैव फोटोज, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो है ये स्पेशली फॉर्मेट है फोटोज़ प्लेस इन दैम, क्योंकि फ़ोटोज़ को प्लेस करने के लिए, फ़ोटोज़ को ठीक से उसमें ऐड करने के लिए, ठीक है, प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपको लिपस फ्रेम टूल। लिपस फ्रेम टूल में क्या होता है, एक सर्कल टाइप है, सर्कल टाइप में क्रॉस बना होता है जस्ट लाइक द रेक्टेंगुलर फ्रेम, जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम है, फ्रेम टूल है, बट इट इज़ इन द शेप ऑफ एन एलिप्स। इस शेप का ही नाम एलिप्स है, तो ये भी एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का जैसे सेम इसमें भी काम होता है, लेकिन इसका नेम ही एलिप्स है, ये इसका शेप एलिप्स में होगा, एलिप्स होता है थोड़ा हम कह सकते हो पूरा गोल नहीं, और मान लो गोल, ठीक है, तुम्हारी जैसी रोटी बनती है ना वो वाला गोल, वो पूरा गोल नहीं होता ना, वो अलग टाइप का गोल होता है। तो नेक्स्ट आता है उसे हम एलिप्स कहते हैं, ठीक है। अब आता है पोलियांगन, पोलियांगन होता है, पोलियांगन फ्रेम होता है, ये देखो दिख रहा है ना, इसमें भी बीच में क्रॉस बना है, ठीक है, ऊपर से छोटी सी स्ट्रेट लाइन फिर साइड साइड से, इसमें क्या है कि जस्ट लाइक द रेक्टेंगुलर, सेम रेक्टेंगुलर फ्रेम की तरह, बट इज़ हाउ एवर मैनी साइड, लेकिन इसकी क्या है, मैनी साइड्स है, ऊपर भी है, साइड में है, नीचे है, चार साइड्स है इसकी, ठीक है, मैनी साइड्स। नेक्स्ट हो गया आपका रेक्टेंगुलर टूल, ओके, रेक्टेंगुलर टूल है, दिस टूल ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये एक ड्रॉ है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, टू क्रिएट अ स्क्वायर होल्डर टू शिफ्ट, ताकि जो स्क्वायर होल्डर है उसको शिफ्ट बटन आप क्लिक करते ही क्लिक एंड ड्रैग करते आपको ये दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका
एलिपस टूल, एलिपस टूल था जो, लेकिन ये सिर्फ एलिपस टूल है। इसमें मतलब जैसे हमने पिछला एलिपस था, एलिपस फ्रेम था, वो पहले वाले फ्रेम थे सारे। ये सिर्फ नेम सेम है, फ्रेम अलग है, ठीक है, फ्रेम अलग और एलिपस अलग है। एलिपस फ्रेम अलग हो गया और एलिपस टूल अलग। एलिपस टूल में आता है दिस टूल ड्रॉ ऑन आउल बॉक्स, एक आउल अंडे की तरह समझ लो तुम, ठीक है, आउल बॉक्स टू क्रिएट अ सर्कल। किस लिए होता है? सर्कल के लिए। होल्ड द शिफ्ट बटन, होल्ड और शिफ्ट बटन से एज यू क्लिक एंड ड्रैग, तुम क्लिक और ड्रैग करके होल्ड बटन से फिर तुम्हारे सामने आ जाता है ये आउल, ठीक है, सॉरी एलिपस टूल। नेक्स्ट आता है आपका पोलियांगन टूल। पोलियांगन टूल है हमारा टू क्रिएट अ बॉक्स विथ, ये क्रिएट है बॉक्स का, विद अ विद एज मैनी साइड, जिसकी बहुत सारी साइड से, 1 2 3 4 5 6 साइड से इसकी, तो इज योर लाइक, आपकी जैसे देख सकते हैं इसमें। टू क्रिएट अ पोलियांगन, एक पोलियांगन है, सिंपली सेलेक्ट द पोलियांगन, यानी कि एक आपको सिंपली पोलियांगन वहाँ पर दिखाना है, तो इस टूल को क्लिक ऑन योर आर्ट बोर्ड, आप क्लिक कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजर टूल। सीजर टूल से क्या होता है, देखो कुछ भी कट वगैरह होता है ना, कट पेस्ट वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, द सीजर टूल कट अ पाथ आर ऑब्जेक्ट, आप किसी चीज़ को कट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को, वो होता है आपका इस टूल में। टू कट अ पाथ सिंपली क्लिक, सिंपल आपको क्लिक करते कट हो जाएगा, ठीक है, वंस वेयर यू लाइक, आप जैसा पसंद करो, ठीक है, वैसा कट आपको मिलेगा। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफर टूल होता है कुछ इस टाइप का, छोटा सा एरो बना होता है साइड में और एक बॉक्स, बॉक्स में छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, ठीक है। इस टूल में क्या होता है, फ्री ट्रांसफर टूल, दिस टूल लेट्स यू टेक एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट बॉक्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रीली, आराम से स्केलिंग और रोटेट करने, यानी कि आप कहीं भी घुमा सकते हो उसे, ठीक है। जैसे हमें कुछ भी आप उसमें ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसको आप कहीं से भी ऊपर से नीचे लाते हो, जैसे आप कोई साइज़ उसका बड़ा कर रहे हो, है ना, होता है ना, जिसमें हम पहले फ़ोटोज़ वगैरह या कुछ भी आप उसमें से, जैसे ये सारे हमारे थे पोलियांगन टूल वगैरह, हमने ले लिए पोलियांगन टूल, फिर उसको हमने क्लिक करने के बाद, क्लिक एंड ड्रैग के बाद हमने उसको क्या किया, हमें किसी भी राइट में चाहे तो राइट में रखना चाह रहे या लेफ्ट में, तो ये किसकी वजह से होता है, फ्री ट्रांसफ़र टूल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रोटेट टूल। रोटेट तो सबको ही पता है, जब हमारा नेट नहीं चलता तब भी रोटेट टूल आ जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि दिस टूल इज़ यूज्ड रोटेट के लिए होता है, कि आप इसे चलो नेट तो अलग है, चलो रोटेट करने के लिए, ठीक है, रोटेट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट आता है आपका स्केल टूल। स्केल टूल जानते हो ना, जैसे रियल स्केल है हमारा, सेम वैसे ही आपके सॉफ्टवेयर में भी स्केल टूल होता है, ताकि आपको कितने सेंटीमीटर, अगर आप चाह रहे हो कि लाइन खींच लूँ मैं, या फिर स्ट्रेट लाइन के लिए, आप स्केल टूल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें स्केल टूल अलाउ यू स्केल एन ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स, नोट अगेन दैट यू टेक्स्ट इनसाइड अ बॉक्स गेट कोई भी डिस्ट्रॉयड अनलेस यू होल्ड शिफ्ट, आपको सिर्फ होल्ड शिफ्ट करना है, ठीक है, क्लिक एंड टेक्स्ट, फिर आपको अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में आप, अगर आपको बनाना चाह रहे हो तो बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको एक बड़ा बॉक्स हो गया, उसके साइड में राइट साइड आपको एरो मिलेगा और उसके नीचे एक
फिर से स्मॉल बॉक्स, ये स्केल बुक्स का सॉरी स्केल टूल का एक सिंबल है, ठीक है, एक लोगो है। नेक्स्ट आता है आपका शेयर टूल। शेयर टूल कुछ इस तरह से होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, जिसमें मान लो लेफ्ट साइड एक छोटा सा ट्रायंगल और फिर रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, द शेयर टूल अलाउ यू टू और ऊपर इसके एरो होता है, आपको अलाउ करता है कि आप कहीं भी इसे शेयर कर सकते हैं या डिस्ट्रॉयड योर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉट भेज सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय मार्केटिंग इट अ पैरलोग्राम माय ग्रेट स्कूल ज्योमेट्री टीचर वुड बी सो प्राउड। क्या है, चलो नेक्स्ट है ग्रेडेंट स्विच टूल। ग्रेडेंट स्विच टूल होता है रेक्टेंगुलर शेप लेकिन थोड़ा पेंसिल कलर का पूरा उसमें होगा, ठीक है। इसमें क्या है, द ग्रेडेंट स्विच टूल आपको स्विच करने के लिए, ठीक है, और क्रिएट अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फर्दर टूल होता है, जैसे इसमें एक बॉक्स है उसमें वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होंगे, जस्ट लाइक अ ग्रेडेंट स्विच टूल, सेम ग्रेडेंट स्विच टूल की तरह इसमें ग्रेडियंट फर्दर टूल क्रिएट अ ग्रेडियंट, बट ये ग्रेडियंट क्रिएट करता है लेकिन रेदर देन एंडिंग, जब इसकी एंडिंग होती है तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसके एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको नोट टूल। नोट टूल में सभी जानते हैं हम कुछ नोट कर सकते हैं, तो उसमें पेज टाइप होगा, ठीक है, और कुछ लिखा हुआ जैसे आपको लगता है पेज टूल है, तो द नोट टूल इज़ सुपर हेल्पफुल, आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल है और यू विल गेट नहीं आप बहुत मल्टीपल पीपल वर्क, इसमें बहुत लोग काम करते हैं ऑन योर सेम फाइल, अगर आपको कोई फाइल बनानी हो तो, ठीक है। अब आता है आपका कलर थीम टूल। कलर थीम टूल में एक अलग ही सिंबल है, इसमें आप कह सकते हो कुछ भी आपको जो लगे, चाकू तलवार, ठीक है, कुछ इस टाइप इसका सिंबल होता है, और इसमें द कलर थीम और फिर ऐसे नीचे को आपको उसमें रेक्टेंगुलर शेप में आपको बनाव मिलेगा, उसमें छोटे छोटे बॉक्स ही आपको थोड़ा सा लगेगा कलर टाइप है, तो इसमें द टूल द कलर थीम टूल इज़ सुपर हेल्पफुल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यू विल वर्किंग ऑन स्टाइल गाइड, अगर आप स्टाइल गाइड अगर आप ब्लॉग वगैरह यू फॉर यू ब्लॉग या बिजनेस टू यूज्ड इट क्लिक on an image you didn't to create a color theme with then a window will come up with five suggested color, aapke five suggested color hote hain isme based on the color in the image, ek jo base hai color ka image mein hota hai, to save them click on the add, save karenge aap click on the add, this theme to switches button and they will be added to you switches menu, आपको switches menu में क्या करना है add कर देना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत helpful हो सकता है क्योंकि business या फिर आप उसमें अगर आपको ऐसे कोई भी चीज़ अगर बनी हो, ठीक है, उसमें कुछ भी आपको मैगजीन वगैरह एनीथिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो तो उसमें सिंपल ये देखो ब्लैक एंड वाइट, ये भी तो एक कलर कॉम्बिनेशन ही है ना, ठीक है। तो कलर का यूज़ तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए कलर टूल इम्पॉर्टेंट है। कलर थीम पूरा नाम है इसका, कलर थीम टूल, ठीक है।
उसको इमेज में इमेज वगैरह में क्रिएट करना करने के लिए यूज़ किया जाता है। और विंडो विल बी कम यू विद 5 सुजेस्टेड कलर्स, में 5 सुजेस्टेड कलर मिलते हैं बेस्ड योर कलर, ठीक है। एंड आता है आई ड्रॉपर टूल सेम है हमारा कलर थीम टूल की तरह, बस इसमें नीचे वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनी हुई, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई ड्रॉपर टूल इज़ सुपर हेल्पफुल ग्रैबिंग वट एवर कलर, कोई भी ग्रैबिंग भी कलर में यू वेंट फ्रॉम द इमेज, आपकी जो इमेज है, या मेकिंग इट द फोरग्राउंड, जो फोरग्राउंड होता है चारों तरफ आपका जो बैकग्राउंड है ना, फोरग्राउंड बोलते हैं उसको, फोरग्राउंड कलर, आपको फोरग्राउंड फोर कलर चाहिए, फोरग्राउंड चाहिए आपको आपको उसमें बैकग्राउंड में, ठीक है। बट इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर कॉपिंग द स्ट्रोक, लेकिन आप फिर क्या है, स्ट्रोक द मतलब कॉपिंग द आपको कॉपिंग करनी है, ठीक है, मान लो द स्ट्रोक एंड टेक्स्ट सेटिंग, आप टेक्स्ट सेटिंग में जाओगे फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू पाइस ऑन द टेक्स्ट इनटू अदर, या फिर सिंपली हाईलाइट कर सकते हो आप, है ना, एंड ऑब्जेक्ट टू पाइस ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट द आई ड्रॉप टूल एंड क्लिक ऑन द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट स्टाइल यू वेंट, आप क्लिक कर सकते हो और उसे किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इवेंट। अब आता है मेश्योर टूल, मेश्योर टूल में क्या होता है, ये आप कह सकते हो उसमें एक रेक्टेंगुलर टाइप, और उसमें जैसे बढ़ते घटते क्रम में कुछ लिखा हो सकता है आपको ऐसे लगे, तो इसमें द मेश्योर टूल इज़ यूज टू सुपराइज्ड के लिए मेजर इन द इमेज, कोई इमेज में आपको सुपराइज्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हैंड टूल, सेम हैंड टाइप, मतलब सेम आपको हैंड टाइप लगेगा, अगर आप जैसे लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, या फिर किस होता है इसमें हैंड टूल का यूज़ इनडिज़ाइन टूल में ना, तो आप इसमें अलाउ करते हो यू टू क्लिक ड्रैग योर आर्ट बोर्ड अराउंड में, ठीक है। जूम टूल होता है सेम सर्च टाइप लगेगा आपको, लेकिन वो होता है जूम टूल, क्या होता है जूम, कोई भी चीज़ हम जूम करके उसे बड़ा दिखा सकते हैं, उसे हम ध्यान से देख सकते हैं ना। दिस टूल अलाउ यू जूम इन और आउट ऑफ योर आर्ट बोर्ड, आपने जो आर्ट बोर्ड किया है उसे आप जूम कर सकते हो, यू कैन अदर क्लिक, आप अगर कोई अलग अदर क्लिक कर सकते तो उसमें वंस देन टूल, जो वंस टू जूम, एक बार जूम किया और फिर यू आर यू कैन क्लिक एंड ड्रैग टू जूम, आप क्लिक करोगे ड्रैग टू जूम इनटू अ स्पेसिफिक सेक्शन, एक स्पेसिफिक सेक्शन में आपको जूम मिलेगा जहाँ पर आप जूम करना चाहते हो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, क्लिक एंड ड्रैग। नेक्स्ट होता है आपका कलर पैटल, पैलेट, कलर पैलेट। इसमें क्या है, आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे आपको मतलब जैसे साइड में आप उस राइट साइड आपको एक और बॉक्स होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला बॉक्स आपका वाइट होगा, सेकंड जो है ब्लैक, और इसमें जो बॉक्स है कुछ इस टाइप इसकी लोगो होती है, दिख रहा हो तो देख लो ध्यान से। द कलर पैलेटल इज़ वेयर यू डिटरमाइन योर ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे आप डिटरमाइन कर सकते हो, और टेक्स्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर, आपको स्ट्रोक कलर में, ठीक है। द फिल कलर इज़ ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको इसको यूज़ करके क्या होगा, आप उस पूरे बैकग्राउंड में आपको ऑटोमेटिकली कलर फिल्ड हो जाता है,
ठीक है, एंड हाईलाइटेड, बट द स्ट्रोक क्या है, कैन बी हाईलाइटेड सिंपली बाय क्लिक, सिंपल क्लिक करने पर, ठीक है, क्लिकिंग ऑन द बॉटम बॉक्स। अगला खराब हो गया, चलो अब क्या है कि हमने पहले सिंपली क्लिक करा, ठीक है, सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द बॉटम बॉक्स। नेक्स्ट क्या किया, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक ऑन द विच एवर बॉक्स यू डिडंट लाइक टू चेंज, आप उसे चेंज कर सकते हो, एंड अ कलर पिकर विल अपेयर फॉर सिंपलिसिटी द नो फुल बैक स्ट्रोक, ना कि कोई बैक स्ट्रोक। और आप अगर उसकी सेटिंग में जाए, सेटिंग इन ना इंक्लूड एज अ बटन बिलो द कलर पेटल इज ईजिली रेस्टेड इट, अगर आप इसे बटन बिलो जाते हो तो बटन के नीचे जाते हो, ठीक है, तो उसमें कलर पेल्टर जो है वो ईजिली रेस्ट में मिलेगा, ठीक है, रीसेट हो जाएगा, सॉरी। तो अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद नहीं है क्या, होता है सी, लास्ट क्वेश्चन से ध्यान से देख लो अब इसके। उन्होंने कहा है व्हाट इज द फिल एंड बॉर्डर, क्या कहा है, फिल क्या करना है, बॉर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिफ्यूटर प्रेजेंटिंग इन द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में फिल बॉर्डर कैसे होता है कलरफुल, ठीक है, कलर ऑब्जेक्ट में, तो वो है बाय डिफ्यूट इफ़ यू ड्रैग, आप ड्रैग एन ऑब्जेक्ट इट अपेयर विद नो फिल ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो फिल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, इनसाइड एंड बैक स्टोक बॉर्डर, ये बैक स्टोक बॉर्डर में है, ये हमने किस में था, कलर पैटर्न में शायद। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट व्हाट ऑल कैन यू मेक इन एन इलस्ट्रेट, आप क्या देख सकते हो इलस्ट्रेट में, क्या है इलस्ट्रेट में, ठीक है, तो इलस्ट्रेट क्या है, अडोब इलस्ट्रेटर इज कॉमनली यूज्ड है क्रिएटर लोगोस, अब जो भी जितने भी लोगोस है, ऐप का लोगो जानते हो ना, सेम लोगोस या कोई भी लोगो हो किसी भी चीज़ का, तो वो किस में होता है, अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉमनली यूज क्रिएटर लोगो प्रमोशनल और ब्रांडेड कंटेंट, यानी कि कोई ब्रांड में या प्रमोशन में, आइकन्स वेबसाइट ग्राफिक्स डिजिटल आर्टवर्क या एंड मोर, ठीक है, और बहुत सारे आइकन में होते हैं हमारे, जैसे ये सॉफ्टवेयर के लोगो तुम कहते हो, और ब्रांड्स होगी हमारे, कितने सारे ब्रांड्स हैं वो भी सारे उसमें आ जाते हैं, है ना, वेबसाइट ग्राफिक के जो लोगोस होते हैं वो उसमें आते हैं, डिजिटली या आर्ट वर्क के लोगोस होते हैं कुछ, वो भी एडोब इलस्ट्रेट में ही बनते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर ग्राफिक्स, आप क्या समझते हो वेक्टर ग्राफिक्स से, बताओ। वेक्टर ग्राफिक्स होता है ग्राफिक आर्ट वर्क, एक आर्ट वर्क होता है ना, आर्ट वर्क क्या होगा, हमने जो खुद से क्रिएट किया होता है, आर्ट वर्क मेड फ्रॉम लाइन या डॉट से, ठीक है, लाइन या डॉट वगैरह से, इट अपेयर क्लियर इवन इट, और एक क्या होगा, क्लियर होगा इफ़ इट इज़ अ जूम्ड अलॉट, आप जितना चाहे से जूम कर सकते हो, ठीक है, दो चीज़ें हैं, क्लियर एंड जूम अलॉट। फर्स्ट तो ये था कि इसमें लाइन और डॉट से मेड होगा, ठीक है, आर्टवर्क मेड और लाइन या डॉट। नेक्स्ट है कि इट अपेयरेंस क्लियर, क्लियर होगा, और इट इफ़ जूम, आप इसे जूम कर सकते हो कितना भी चाहे। नेक्स्ट आपको मिलता है
व्हाट इज़ आर्ट बोर्ड टूल? आर्ट बोर्ड टूल क्या है? आर्ट बोर्ड इज़ अ प्लेस वेयर यू ड्रॉ. अब मैंने कहा आर्ट बोर्ड टूल वो है जिसमें आप ड्रॉ करते हो, ठीक है. आपने जैसे माउस को पकड़ लिया, ठीक है, आप उसको ही आर्ट कर रहे हो ना. आर्ट बोर्ड वो हो गया आपका, आप किस तरीके से बना रहे हो, आपने जो करा वो आर्ट बोर्ड में आता है. वेयर यू ड्रॉ एंड और क्रिएट आर्ट वर्क, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो आर्ट वर्क में. यू कैन फाइंड दिस टूल इन द टूल पैनल, इसमें आप इसे टूल पैनल में देख सकते हो. दिस टूल इज़ यूज्ड टू एडिट द आर्ट बोर्ड, और ये टूल किस में मदद करता है आपकी, आर्ट बोर्ड में. यू कैन ऐड रिमूव, आप ऐड या रिमूव कर सकते हो कुछ भी. आर्ट बोर्ड्स इट हेल्प अस इन सेग्रीगेटिंग स्प्रेडिंग आर्ट वर्क, इनके बहुत कुछ बना सकते हो इसमें, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, इतने ध्यान से आपने अगर सुना हो तो पूरी वीडियो अगर आपने देखी हो तो बहुत आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको जल्दी, तब तक के लिए अच्छे से समझ लीजिए. एंड थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें.